श्री राधा कृष्णपादान् सह गणलललिताश्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तनमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणीप्रचारिने निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री नित्यानन्द श्रीकृष्णचैतन्याप्रभुनित्यानन्द श्रियाद्वैतगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है हमारा चैतन्य चरितमृत के नियमित सत्रों में से 28 के दिन के सत्र में और हम अभी तक चैतन्य चरितमृत की आदि लीला और मध्य लीला पूर्ण कर चुके हैं बहुत ही ये खुशी की और आनंद की बात है कि 28 दिन में 27 दिन में हमने दोनों महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है तो कल हमने जो है वो चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला का 25वां और आखिरी अध्याय देखा और उसमें महाप्रभु किस प्रकार से जो है वो जो प्रकाशानंद सरस्वती और उनके साथ वाले आदि सब जो लोग थे उन सब का महाप्रभु ने किस प्रकार से उद्धार किया उसका विस्तार से वर्णन कविराज गोस्वामी ने किया था और उसके पश्चात जो रूप गोस्वामी वृंदावन में गए थे और वहाँ पर वहाँ पर वो सुबुद्धि राय इनसे मिलते हैं और वहाँ से पुनः महाप्रभु को मिलने के लिए निकलते हैं और सनातन गोस्वामी को आज्ञा दी थी महाप्रभु ने चार आज्ञाएं दी थी उनको लेके सनातन गोस्वामी राजपथ से निकलते हैं वृंदावन की ओर और, और दोनों का मिलाप नहीं हो पाता है और फिर रूप गोस्वामी पहुँच जाते हैं वाराणसी में और वहाँ से वार्ता पाते हैं कि सनातन गोस्वामी तो वृंदावन चले गए हैं और महाप्रभु काशी छोड़ के अभी वो पूरी के लिए चले गए हैं और महाप्रभु पूरी में पहुंच भी जाते हैं हमने उसका भी वर्णन किया था और ख़ास करके अंत में कविराज गोस्वामी ने संपूर्ण चैतन्य चरितमृत किस प्रकार से पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए इसके बारे में विस्तार से बताया था कि जो चैतन्य लीला है वो एक सरोवर के समान है अमृत का सरोवर है और हमारे मन को एक भोरा बनाकर या हम्स बनाकर जो है वो वहाँ पर हमेशा तैराते रहना चाहिए उसमें ही निमग्न रहना चाहिए और यदि इस लीला का कोई आस्वादन नहीं कर रहा है ये लीला अमृत विने खाय यदि जल पाने तबे भक्तेर दुर्बल जीवन कि कितना भी हम लोग खाना खा रहे हैं, बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं लेकिन यदि इस लीला का आस्वादन नहीं कर रहे तो भी भक्त का दुर्बल जीवन जीवन जो है वो आध्यात्मिक जीवन की बात कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन दुर्बल हो सकता है तो यदि हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी है तो हमें चैतन्य चरितमृत जैसे ग्रंथों का सहारा लेना ही होगा और इस प्रकार से अभी हमारा अंत्यलीला प्रारंभ होने जा रहा है चैतन्य महाप्रभु 48 साल तक इस धरातल पर थे उसमें से पहले 24 साल महाप्रभु गृहस्थाश्रम में रुके थे नवद्वीप में थे और उसके पश्चात उसे उसे पहले 24 साल को आदिलीला कहा जाता है और सन्यास लेने के पश्चात महाप्रभु वो बचते हैं चौबीस साल अगले और उन चौबीस साल में जो पहले छः साल है महाप्रभु गमनागमन किए अद्वैताचार्य के घर गए वहाँ से फिर जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी में हमने देखा कि किस प्रकार से वो जाना चाहते थे वृंदावन लेकिन कई भक्त उन्हें रोक लेते थे अब ये महोत्सव देख के जाइए ये महोत्सव देख के जाइए तो रामानंद राय वो लोग लो जाने नहीं देते थे तो ऐसा बताया जाता है कि लगभग पाँचवें साल में वो वृंदावन चौथे पाँचवें साल में वो वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं और जाने में सफल हो जाते हैं और उसके पश्चात वो वृंदावन यात्रा करते हैं बलभद्र भट्टाचार्य को लेके और उसके पूर्व उन्होंने दक्षिण भारत यात्रा की थी कालकृष्ण को लेके तो इस प्रकार से जो है वो संपूर्ण मध्य लीला छः साल तक चलती है तो छः साल होने के पश्चात अभी महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी गए हैं कल हमने देखा महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर महाप्रभु अभी लगातार अठारह साल तक रहेंगे उसे जो 18 साल हुए उसको कहते हैं अंत्यलीला ये जो अंत्यलीला है उसके भी दो विभाग होते हैं हमने देखा था जो आदि लीला है उसमें सत्रह अध्याय है मध्य लीला में पच्चीस अध्याय है और अंत्यलीला में बीस अध्याय पाए जाते हैं तो ये जो बीस अध्याय हैं इनके दो विभाग होते हैं अंत्यलीला के सबसे पहला विभाग होता है अध्याय संख्या एक से लेकर के तेरह तक जो है वो महाप्रभु का विभिन्न भक्तों के साथ आदान प्रदान उसका वर्णन आता है फिर वरूप गोस्वामी हो सनातन गोस्वामी हो हरिदास ठाकुर हो प्रद्युम्न मिश्र हो या गोपीनाथ पट्टनायक हो इनके हम लोग चर्चा करेंगे एक एक भक्तों के साथ महाप्रभु ने किस प्रकार से अपना आदान प्रदान किया तो ये पहले तेरह अध्याय में आता है और उसके पश्चात चौदह से लेकर बीस तक महाप्रभु का जो है वो भगवान श्री कृष्ण से विरह भाव किस प्रकार से उन्होंने प्रकट किया उनका विस्तार से वर्णन आएगा तो वो वर्णन चलेगा चौदह से लेकर बीस अध्याय तक तो ये दो विभाग अंत्यलीला के पाए जाते हैं और अभी हम आज से अंत्यलीला का पहला अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है रूप गोस्वामी का पुनः महाप्रभु से मिलना शिल प्रूपा जी इसका अनुवाद किए हैं रूप गोस्वामी का द्वितीय मिलन वास्तव में ये तृतीय मिलन था क्योंकि आपको पता है रूप गोस्वामी को महाप्रभु सबसे पहले कहाँ पर मिले थे मध्य लीला के अध्याय सोलह में वो रामकेली में मिले थे सबसे पहले आजी हई थे तुम्हार नाम रूप सनातन तो वहाँ पर दीक्षा दिए थे वो पहला मिलन था दूसरा मिलन रूप गोस्वामी से महाप्रभु का हुआ था जब वो वृंदावन से लौट रहे थे मध्य लीला के अध्याय 19 में जी जहाँ पर उन्होंने रूप गोस्वामी को प्रयाग में दशाश्वमेध घाट में 10 दिनों के लिए उपदेश दिया था तो वो था दूसरा मिलन और अभी तीसरा मिलन होने जा रहा है अभी तक रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी नहीं गए थे तो अभी पहली बार वो जगन्नाथपुरी कैसे पहुँचेंगे इसका वर्णन हम करेंगे और महाप्रभु से कैसे मिलते हैं उनका तृतीय भेंट इसका वर्णन इस अध्याय में आता है जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद तो कविराज गोस्वामी कहते हैं सर्वप्रथम वो वंदना करते हैं क्योंकि अभी नई लीला प्रारंभ हो रहे हैं पंगुम लंगयते शैलम मूकम आवर्त यश्रुतिम यपातम हम वंदे कृष्ण चैतन्यमीश्वरम महाप्रभु की ऐसी कृपा है पहला ही श्लोक में वो कहते हैं कि पंगुम लंगयते शैलम यदि कोई पंगु व्यक्ति भी है तो भी वो पर्वत पार करके जा सकता है और मूकम आवर्त युतिम जो कोई मूका गुंगा व्यक्ति भी है वो भी श्रुतियों का उच्चारण कर सकता है यत कृपातम हम वंदे ऐसे ऐसे कृपालु श्री चैतन्य महाप्रभु की चरणों में मैं वंदन करता हूँ और कविराज गोस्वामी की नम्रता देखिए सारे भगवान को तो प्रणाम कर दिया उनके कृपालु अवतार और उनकी शक्ति को प्रणाम किया और उसके पश्चात सारे भक्तों से वो दान मांगते हैं दुर्ग में पथि में अंध से स्खलात्द गर्मु स्वकृपायष्टिदाने न संत वो कहते हैं दुर्ग में पथि में मैं एक बहुत दुर्गम बहुत ही कठिन रास्ते पर चल रहा हूँ दुर्गमे पथी में अंधस्य और मैं अंधा भी हूँ पहली बात तो पथ दुर्गम है दूसरी बात मैं भी अंधा हूँ और दुर्गमय पथि में अंधस्यस खलाद पादत एर्म हो मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ और बीच बीच में गिर जाता हूँ यह है तीसरी बात तो चल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से पथ भी मुश्किल है मैं भी अंधा हूँ और चलने का प्रयास करता हूँ तो गिर के आ, फिसल कर गिर जाता हूँ स्वकृपा यष्टिदने न संत संत्वावलंबनम हे वैष्णव आप मुझे आपकी कृपा कृपा रूपी यष्टि यष्टि कार्ते छड़ी आपके कृपा की छड़ी आप मुझे दीजिए और उस छड़ी को लेकर के मैं चलूँगा क्योंकि संत संत्वावलंबनम जो वैष्णव संघ है वो इस छड़ी के समान है जिसे पकड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए इस प्रकार से सुंदर वो छह गोस्वामियों के चरणों में वंदना अर्पण करते हैं अपने आराध्य देव मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ संबंध अभिदेय और प्रयोजन के विग्रह उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मध्य लीला संक्षेपे करूँ वर्णन लीला वर्णन की छू शुन भक्तगण मध्य लीला का तो वर्णन मैं अभी कर चुका हूँ वो भी संक्षेप में किया है विस्तार से नहीं किया है तो अभी लीला का वर्णन सुनिए और वो कहते हैं कि लीला का भी मैं संक्षेप में वर्णन जो है वो मध्य लीला के अध्याय एक और दो में थोड़ा थोड़ा बता चुका हूँ तो हम हमारे आगे के सत्रों में जब भी हमें पीछे जाना होगा तो वो वहाँ से हम लोग कुछ वर्णन उठा लेंगे जिस प्रकार से राम केली में जब महाप्रभु गए थे और सोलहवें अध्याय में मिले थे तो रूप सनातन का जो मिला मिलन था वो मध्य लीला के अध्याय एक में वर्णन आता है वास्तव में लेकिन वो घटना कब घटी थी वो घटना घटी थी जब महाप्रभु वृंदावन जाने का दूसरा प्रयास किए थे लीला के अध्याय सोलह में तो क्यों ऐसा किया था उन्होंने पहले ही क्यों लिख दिया था तो उन्हें डर था कि मैं वृद्ध होते जा रहा हूँ और मेरे मेरा मेरा जर्जर हो रहा है शरीर मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है तो भक्तों को वंचित नहीं रखना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से तो इसलिए उन्होंने पहले ही थोड़ा थोड़ा सारांश में लिख दिया था और कुछ कुछ क्षण थे जो उन्होंने विस्तार से लिख दिए थे तो इसलिए आगे जब वो चलते हैं लीला में तो वो उन्हें पुनः स्मरण होता है कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर जाके आप पढ़ लीजिए और वो अभी मैं संक्षिप्त में बताता हूँ आगे चलता हूँ ऐसा कविराज गोस्वामी कहते हैं तो इस प्रकार से जब हमने कल भी सुना था कि महाप्रभु अभी वृंदावन से नीलाचल में आए हुए हैं और संपूर्ण गौड़ बंगाल में वार्ता चली जाती है संदेशा पहुंचाया जाता है कि महाप्रभु अभी बहुत समय के पश्चात जगन्नाथपुरी में आए हुए हैं तो लगभग छः साल हो गए थे क्योंकि जब दक्षिण भारत यात्रा दो साल चली थी और उसके पश्चात वृंदावन यात्रा भी चली थी तो भक्त लोग विरह में थे मिल नहीं पाए थे तो पहले तो वो सन्यास के पश्चात तुरंत जाया करते थे तो बीच में जब महाप्रभु प्रवास कर रहे थे तो बंगाल के भक्त नहीं जाते थे तो अभी बंगाल के भक्तों को जैसे समाचार मिला सारे भक्त अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु शची माता ये सारे भक्त जो है वो महाप्रभु को मिलने के लिए जाते हैं और उसमें खंडवासीगण ग्रामी और सबका भार कौन संभालता है आपको पता है सारे लोगों को जाने की व्यवस्था कौन करते हैं शिवानंद सेन शिवानंद सेन करे सबार घाटी समाधान सबारे पालन करे देयवासा स्थान घाटी स्थान सबका समाधान घाटी स्थान मतलब जहाँ पर कोई टैक्स देना पड़ता था और सबके निवास की व्यवस्था करनी होती थी उन सब की व्यवस्था जो है वो शिवानंद सेन ही किया करते थे पिछली बार भी हमने इसकी चर्चा की थी लेकिन इस बार एक विशेष वृत्तान्त सुनाने जा रहे कविराज गोस्वामी शिवानंद सेन वो सारे उस भक्तों को लेकर जब जा रहे थे उनके साथ एक कुत्ता भी वहां से चल पड़ा रास्ते का कुत्ता एक कुकुर चले शिवानंद सने भक्ष दिया चले करिया पालने इस प्रकार से उसका पालन करते हुए उसको भी लेके चले उसको भी कुछ खिलाते थे पिलाते थे सारे भक्तों के संग में वो कुत्ता भी जो है वो अभी जा रहा है चल रहे भक्त मैं भी चलता हूँ तो वो कुत्ता भी चल पड़ा तो कुत्ते की देख रेख करते वैष्णव समदर्शी नहाँ वैष्णव समदर्शी होते हैं कुत्ते के भी उसने उन्होंने जो है वो पालन पोषण किया तो जब जा रहे थे एक बार एक उड़िया नाविक था नदी पार करनी थी तो उसने मना कर दिया इस कुत्ते को हम नहीं जाने देंगे तो शिवानंद से काफ़ी विनती की लेकिन फिर भी जब नहीं जाने दे रहे थे तब उन्होंने जो है वो दस पण कौड़ियाँ अधिक दे दी मतलब थोड़ा अधिक धन दे दिया और उसको जो है वो पार करा के लेके गए वहाँ से तो एक दिन की बात थी रास्ते में चल रहे थे वहाँ पे चुंगी नाका जो होता है वहाँ पर शिवानंद सेन वहाँ पे जाके कुछ सेटलमेंट कर रहे थे और सारे भक्त जो है वो आगे गए थे तो उस समय शिवानंद सेन ने कह दिया एक सेवक से कि आप कुत्ते को थोड़ा भात वगैरह देना उसकी अच्छी निगाह रखना मैं यहाँ पर थोड़ा सेटलमेंट करके आ जाऊँगा तो वो जो बेचारा भक्त है वो भूल जाता है कुत्ते को खाना देना और फिर जब शिवानंद सेन रात्रि के समय पुनः पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनका सब तंबू वगैरह लगाया था रहने के लिए वहाँ पर जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे वो पूछते हैं कि क्या कुत्ते को खाना खिलाया तो वो भक्त कहते हैं कि क्षमा करना मैं तो भूल गया कुत्ते को खिलाना तो जाओ जाओ, जाओ देखो कुत्ता कहाँ है तो वो कुत्ता बेचारा अभी उसे खाना नहीं मिला था तो वो वहाँ से चल पड़ा था निकल गया था तो, तो फिर अभी चिंतित हो जाते हैं शिवानंद सेन दस लोगों को भेज देते हैं जाओ जाके ढूंढ के लाओ कहाँ गया है कुत्ता तो कुछ समय के पश्चात दस के दस लोग पुनः लौट जाते हैं और कहते हैं कि क्षमा करना कुत्ता मिल नहीं पाया फिर शिवानंद सेन अत्यंत विक्षुब्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि कुत्ते को मैं निगाह नहीं रख पाया अच्छे से और वो उपास करना प्रारंभ कर देते हैं फिर उसी वैसे ही भूखे सब लोग रात को सो जाते हैं और सुबह जब उठते पुनः ढूंढने का प्रयास करते हैं कहाँ गया कुत्ता कहाँ गया कुत्ता लेकिन फिर भी जो है उन्हें कुत्ता नहीं मिलता अभी वो वैसे ही बिना कुत्ते के वो अभी जा रहे हैं और जगन्नाथपुरी में चले जाते हैं पहुंच जाते हैं महाप्रभु से मिलते हैं सारे भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं महाप्रभु सबको जगन्नाथ जी का दर्शन कराते हैं सारे भक्त प्रसाद लेते हैं सारे भक्तों की आवास की व्यवस्था की गई होती है सबके आवास की व्यवस्था जगत जगन्नाथपुरी में कौन किया करता था गोपीनाथ आचार्य और काशी मिश्रा ये उनकी नित्य सेवा थी तो सारे भक्तों के आवास की व्यवस्था हो गई सारे भक्त रात को विश्राम किए और प्रातः काल दूसरे दिन सारे भक्त मिलने के लिए महाप्रभु के निवास स्थान पर काशी मिश्रा के घर यहाँ पर जाते हैं और जाते हैं तो देखते महाप्रभु बैठे हुए हैं और अत्यंत अचंबित सब लोग क्या अजीब दृश्य उन्होंने देखा क्या देखा वही कुत्ता जो वहां से गायब हो गया था वह महाप्रभु के चरण कमलों के नजदीक कहीं दूर पर बैठ के कुछ प्रसाद ग्रहण कर रहा है आसिया देखी सबे सहित कुकुरे प्रभु पासे वसिया छे किछु अल्प दूरे थोड़ा ही दूर बैठ के और वो नारियल का प्रसाद नारियल का घर जो है वो खा रहा था और राम कृष्ण हरी ऐसा वो बोल रहा था तो कुत्ता भी जो है वो रामकृष्ण हरी बोल रहा था सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए क्या बात है महाप्रभु की कृपा इस कुत्ते के ऊपर भी हो गई और शिवानंद सेन देखिए उनका स्वभाव वो कुत्ते को दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा कर देना आपकी निगाह रखने में थोड़ी मेरे से भूल हो गई मुझे क्षमा कर देना और फिर बाद में कुछ समय पर वो तो इंसिडेंस हो जाता है दूसरे दिन जब आते हैं तब तो देखते कुत्ता भी नहीं है अभी वहाँ पर क्या हो गया कुत्ते को अर दिना के देखा ना पहला सिद्ध देह पैया कुकुर वैकुंठ गेला वो कुकुर चार हाथ और चतुर्भुज लेके अभी वो वैकुंठ गया था तो इस प्रकार से महाप्रभु की दिव्य लीला अच्छे दिव्य लीला करे रे नंदन कुक्कुर के कृष्ण कहाँ करिया मोचन कुत्ते का भी जो है वो उन्होंने इस प्रकार से मोक्ष दिला दिया वैकुंठ दिला दिया कुत्ते का भी उद्धार कर दिया इस प्रकार से महाप्रभु दिव्य लीलाएँ किया करते थे तो ये था जगन्नाथपुरी अभी हम लोग हमारा कैमरा लेके चलते हैं। वृंदावन में जहाँ पे रूप गोस्वामी थे तो रूप गोस्वामी जब वृंदावन में रहे थे कल हमने चर्चा की थी जब सुबुद्धि राय उनके साथ जब वो थे एक महीने तक वो थे वृंदावन में तो उस समय उन्होंने निश्चय किया कि मैं चैतन्य महाप्रभु ने मुझे कहा है कि आप आप कुछ लिखो <coughs> तो मैं एक कृष्ण लीला संबंधित एक नाटक लिखता हूँ ऐसा उन्होंने सोचा और सोचते सोचते फिर वो हमें पता है कि सनातन को मिलने के लिए वो गंगा के पथ से चले गए थे आगे और वाराणसी तक पहुँच गए थे और वहाँ से वो गौड़ के लिए निकल गए थे तो गौड़ के पथ से जब वो जा रहे थे सनातन गोस्वामी तो उन्होंने और कुछ नाटक को बारे में आगे सोचा कुछ अपनी टिप्पणियाँ बनाई और वहाँ से वो अपने भाई अनुपम के साथ बंगाल गौड़ देश में पहुँच गए और कविराज गोस्वामी बताते हैं कुछ कारणवश उनका भाई जो था अनुपम उसका देहांत हो जाता है और उसे वहीं पर उसका अंतिम विधि कर देते हैं रूप गोस्वामी और रूप गोस्वामी फिर चैतन्य महाप्रभु को मिलने की अत्यंत उत्कंठित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो मैं गौड़ के भक्त यदि जाएंगे महाप्रभु से मिलने के लिए तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा। तो जब गौड़ में आते हैं तो देखते हैं कि सारे भक्त पहले ही निकल चुके हैं महाप्रभु को मिलने के लिए तो वो अभी अकेले रास्ते से निकल पड़ते हैं महाप्रभु को मिलने के लिए तो चल रहे चलते 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 उड़िया में एक गाँव आता है जिसका नाम है सत्य तो सत्य में रात्रि के समय वहीं पर निवास करते हैं रूप गोस्वामी और जब सोते हैं रात को तो उनको रात को सपने में एक बहुत सुंदर नारी आती है और वो सपने में कुछ उपदेश देती है रूप गोस्वामी से क्या उपदेश होते हैं अमार नाटक पृथक करह रचन अमारो कृपाते नाटक हो विलक्षण मेरी कृपा से अद्भुत नाटक बनेगा लेकिन इसकी रचना अलग करना रूप गोस्वामी समझ नहीं पाते लेकिन बाद में समझ में आता है उन्हें कि शायद सत्य भामा ने ही मुझे ये उपदेश दिए हैं और वो चाहती है कि मैं तो क्या करने वाला था भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला और द्वारका लीला उनको एकत्रित ही रचना करने वाला था लेकिन शायद सत्य भामा ने मुझे आज्ञा दी है कि इन दोनों को अलग अलग आप रचना कीजिए तो फिर मुझे उनकी आज्ञा का सम्मान करना चाहिए और फिर इस प्रकार से रूप गोस्वामी सत्य का सपने में आदेश पा वो जगन्नाथपुरी में पहुँच जाते हैं रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में पहली बार जा रहे हैं महाप्रभु से मिलने तो अभी क्योंकि उन्हें जगन्नाथ जी का दर्शन वर्ज था हमें पता है वो मुस्लिम कम्युनिटी में रह चुके थे तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर इन लोगों को जो है वो जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश वर्जित था इसलिए रूप गोस्वामी पहुंचते ही तुरंत हरिदास ठाकुर के यहाँ पर चले जाते हैं और हरिदास ठाकुर दोनों एक दूसरे को प्रेम से आलिंगन करते हैं और वहीं पर दोनों की चर्चाएं चल रही होती है उसी समय महाप्रभु उपलभोग देख के सुबह का जो उपलभोग होता था जगन्नाथपुरी में वो देख के प्रसाद लेके वो नित्य क्रम था कि हर रोज हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए महाप्रभु आया करते थे तो उस दिन भी महाप्रभु जब आए वहाँ पर उन्होंने देखा अरे रूप गोस्वामी आया हुआ है तो रूप जो है वो महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं और रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी को आलिंगन करते हुए महाप्रभु उनको कृपा बरसाते हैं और फिर उनकी चर्चा चलती है चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं सनातन कैसे हैं रूप गोस्वामी सारा वृत्तांत बताते हैं कि मैं तो गंगा पथ से गया था और सनातन गोस्वामी राजमार्ग से गए थे तो हम दोनों एक दूसरे को क्रॉस हो गए लेकिन मिल नहीं पाए लेकिन मैंने प्रयाग और वाराणसी में सुना कि आ, सनातन गोस्वामी वृंदावन गए हैं और आप नीला चलाए हैं ऐसी मैंने वार्ता वहाँ पर सुनी तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ सनातन से मुलाकात नहीं हुई और वो अनुपम का वृत्तांत भी सुनाते हैं कि किस प्रकार से अनुपम का देहत्याग हुआ है इस प्रकार से महाप्रभु अभी जो है वो रूप गोस्वामी को एक अच्छे से आवास वहाँ पर प्रस्तुत प्रदान कर देते हैं हरिदास ठाकुर के साथ में ही और वहाँ से जो है वो चल पड़ते हैं अगले दिन महाप्रभु कई सारे भक्तों को लेके आते हैं मिलने के लिए रूप गोस्वामी से आपको याद है जब महाप्रभु कनाई नाटशाला से अध्याय 16 में पुनः लौटे थे तब उन्होंने सारे भक्तों को बताया था मैं दो बड़े भक्तों को मिला हूँ रूप और सनातन और सनातन ने मुझे आग, कहा कि आप वृंदावन लाखों लोगों को लेके मत जाइए इसलिए मैं नीलाचल वापस आया हूँ और कितने ये महान भक्त रूप और सनातन उनका गुणगान करते थे महाप्रभु तो रूप गोस्वामी का वर्णन तो महाप्रभु ने किया था लेकिन भक्तों को मिला या नहीं था तो अभी महाप्रभु सारे भक्तों को मिलने के लिए लेके आते हैं रूप गोस्वामी को और कहते हैं अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु आप इन्हें जो है वो इनके ऊपर कृपा कीजिए तो अद्वैताचार्य और, और नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर कृपा करते हैं और सारे भक्त गौड़िया उड़िया रूप भक्तगण भाजन सारे गौड़िया और उड़िया भक्त भक्तगण महाप्रभु के ये भक्तगण है आपको अभी तक समझ में आया होगा अलग अलग जगह के भक्तों का वर्णन आता है तो कुछ भक्त थे जो पुरी के निवासी कहे जाते थे जैसे सारुभम भट्टाचार्य हो गए स्वरूप दामोदर हो गए हरिदास ठाकुर बाद में वो वहीं पर निवास किए राजा प्रताप रुद्र हो गए काशी मिश्र हो गए परमानंदपुरी ब्रह्मानंद भारती ये सब पुरी के निवासी कहे जाते हैं और ये मतलब उड़िया भक्त दूसरे हैं बंगाल के भक्त उनमें कौन आता है उनमें आते हैं अद्वैताचार्य शिवानंद सेन वक्रेश्वर पंडित नित्यानंद प्रभु शचि माता ये हो जाते हैं बंगाल के भक्त तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि ये कविराज गोस्वामी कहते हैं गौड़िया उड़िया यभुर भक्तगण सबार होल रूप स्नेह भाजन सब लोगों ने रूप गोस्वामी को ऊपर कृपा की और वो सबके प्रिय बन गए तो इस प्रकार से हर रोज महाप्रभु वहाँ पर आते थे हरिदास ठाकुर रूप इनको मिलते थे चर्चा करते थे कृष्ण की चर्चा करने के पश्चात मध्यान्ह समुद्र स्नान करके अपने दैनंदिन कार्यक्रम के लिए आगे चले जाते थे तो इस प्रकार से वहाँ पर अभी आया गुंडीचा मंदिर मार्जन महोत्सव तो गुंडीचा मंदिर मार्जन जो लीला हमने देखी थी मध्य लीला के अध्याय बारह में उस प्रकार से लीला संपूर्ण होती है और सारे वन भोजन भी वहाँ पर करते हैं आई टूटा करके जगह हमने उसका भी वर्णन किया था वहाँ पर लीला होती है और अगले दिन महाप्रभु अचानक आके रूप गोस्वामी को कुछ कहते हैं क्या कहते हैं कृष्ण मत करना वृंदावन से एक पद भी छोड़ के कभी बाहर नहीं जाते हैं और वहां से चले जाते हैं फिर रूप गोस्वामी सोचने लगते हैं कि मुझे सपने में वहां पर आदेश दिया था सत्य ने कि दो नाटक अलग अलग दिखना और यहाँ पर जो महाप्रभु का आज्ञा है कि आप कृष्ण को वृंदावन के बाहर मत लेके जाओ इसका अर्थ यह हुआ कि मैं जो एक नाटक रचने करने जा रहा था कृष्ण की वृंदावन लीला और द्वारका लीला ये भी प्रभु की आज्ञा है शायद कि अभी मुझे इसे दो रचनाएं में विभाजित करना होगा तो उन्होंने जो पहले श्लोक रचना किए थे जिसे कहते मंगलाचरण जिसे नांदी श्लोक भी कहा जाता है तो नांदी श्लोक उसकी प्रस्तावना उसका घटनाक्रम इन दोनों को मैं अलग अलग करूँगा और इन दोनों को अलग अलग करना वो शुरू कर देते हैं तो उनमें से ये जो दो ग्रंथ थे उनमें से एक था विदग्ध माधव जिसमें महा भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन किया है रूप गोस्वामी पाद ने और दूसरा है ललित माधव जिसमें महा भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीलाओं का वर्णन किया है रूप गोस्वामी जी ने तो इस प्रकार से ये दो ग्रंथों की रचना का वो सब क्रम वगैरह करते हैं और इस प्रकार से अगले कुछ दिनों में रथ यात्रा का महोत्सव होता है तो जब रथ यात्रा का महोत्सव होता है क्योंकि रूप गोस्वामी को जगन्नाथ मंदिर में जाना वर्जित था जाते नहीं थे वो स्वयं तो अभी उन्हें उनके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर था क्योंकि जगन्नाथ जी ऐसे लोगों को दर्शन देते थे रथ यात्रा के समय जो कोई मंदिर में भी नहीं आता था तो वैसी रथ यात्रा वहाँ पर होती थी और रूप गोस्वामी ने उसका आस्वादन किया रथयात्रा जगन्नाथ दर्शन करिला रथ अग्रे कीर्तन इस प्रकार से उन्होंने महाप्रभु का दिव्य नृत्य भी देखा जगन्नाथ जी का भी दर्शन किया और जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में हमें पता है जब महाप्रभु नृत्य किया करते थे तो यह कौमार हरह उस श्लोक को वो गाया करते थे कि मैं वही हूँ आप भी वही है लेकिन मेरा संगम संगम भी हो रहा है लेकिन मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है कि जो रेवा नदी के तट पर जाने का मेरा मन कर रहा है ये श्लोक बोला करते थे और केवल स्वरूप दामोदर समझा करते थे हमने अध्याय तेरह में मध्य लीला के इसकी विस्तार से चर्चा की है रथ यात्रा के समय तो केवल स्वरूप दामोदर समझा करते थे अभी रूप गोस्वामी भी साथ में है रूप गोस्वामी समझ गए महाप्रभु का भाव और फिर वो अलग श्लोक की रचना कर देते हैं उसी श्लोक को मनोभाव को जानते हुए और रूप गोस्वामी जो है वो एक श्लोक की रचना करते हैं प्रिय सोयम कृष्ण सह चरी कृष्ण कुरुक्षेत्र मिलितस और उन्होंने एक पत्ते के ऊपर वो श्लोक रचना कर दिया और अपने घर के छत के ऊपर उसे लगा दिया और दोपहर के स्नान करने के लिए चले गए तो जब वो चले जाते हैं यह कि उपरांत की बात है तो जब वो चले जाते हैं तो महाप्रभु अचानक एक दिन आ जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि छत के ऊपर कुछ श्लोक लिखा हुआ है और वो निकाल के पढ़ते हैं और वही अपना हृदय का मनोभाव ये तो रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ श्लोक है ये श्लोक अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा था प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी मैं वही हूँ राधा राधा रानी आप वही है कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में हम लोग मिल रहे हैं लेकिन मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है मेरा मन वृंदावन में जा रहा है और वहाँ पर कृष्ण की पंचम ध्वनि बाँसुरी की सुनने के लिए लालाहित हो रहा है यही श्लोक रूप गोस्वामी द्वारा रचना किया गया था

स्वरूप दामोदर को दिखाने के लिए और स्वरूप दामोदर को दिखाते और कर, देखो देखो यह श्लोक रूप ने रचना किया है और मोरा अंतर वार्ता रूप जानी लगे मने रूप गोस्वामी ने मेरी अंतर मन की बात कैसे समझ ली स्वरूप कहे जानी कृपा करी अच्छा आपने आपने कृपा की है ये मैं जानता हूं इसलिए ये श्लोक की रचना कर पाया है फिर महाप्रु कहते हैं हाँ याद आ रहा है प्रयाग में जब मैं उसे मिला था मैंने उसे शक्ति संचारित की थी और मेरी कृपा भी दी थी मध्य लीला अध्याय अठारह उसमें मैंने उन्हें कृपा की थी, शक्ति भी संचारित की थी। प्रभु कहे इहो आमाय प्रयागे मिलिला योग्य पात्र जानी इहाय मोरकृपातपाइला योग्य कृपा योग्य पात्र देखकर मैंने उसे कृपा भी दी थी और शक्ति भी संचारित की थी। स्वरूप दामोदर कहते कि मैं देखकर ही समझ में आ, आ, समझ गया क्योंकि फले न फल अनुमीयते। फल देखकर जो फल का कारण है उसे समझना चाहिए तो इतना सुंदर रचना किया है इसका अर्थ यह जरूर है कि आपकी कृपा जरूर इन्हें मिली होगी तो इस प्रकार से चार महीने तक जो प्रथा थी सारे बंगाल के भक्त वहां पर निवास किया करते थे चार महीना चातुर्माश का हो जाता है सारे भक्त पुनः लौट जाते हैं बंगाल लेकिन रूप गोस्वामी वहीं पर रुकते हैं क्योंकि उन्हें बंगाल नहीं जाना था उनको तो बाद में आगे चल के वृंदावन जाना था लेकिन वो अभी वहीं पर रुकते हैं एक दिन की बात है रूप गोस्वामी बैठकर हरिदास ठाकुर के साथ अपने ग्रंथ की रचना कर रहे थे श्लोक लिख रहे थे अचानक महाप्रभु वहां पर आ जाते हैं और महाप्रभु को प्रणाम करते हैं रूप गोस्वामी और प्रणाम करने के पश्चात महाप्रभु आलिंगन देते हैं और महाप्रभु पूछते हैं क्या लिख रहे हो नाटक और एक पत्ता वहाँ का उठाते हैं और जब पत्ता उठाते हैं तो रूप गोस्वामी का हस्ताक्षर जो, जो 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 लिखा हुआ है उनका अक्षर देख के ही संतुष्ट हो जाते हैं क्या अक्षर है वाह श्री रूपेर अक्षर अक्षर न मुकुता प्रीत हैया कर प्रभु अक्षर र स्तुति उनके अक्षर की स्तुति कर रहे हैं उनका अक्षर इस प्रकार से था मानो मोतियों की पंक्तियां हैं इस प्रकार से इतना सुंदर उनका अक्षर महाप्रभु अक्षर की स्तुति करते हैं और जो उन्होंने श्लोक पढ़ा तो श्लोक पढ़ा और प्रेम में आविष्ट हो गए तुंडे तांडविनी नीरतिं वितनुते तुंडा वलि लब्धये कर्ण क्रोडा कडिम्बिनी घटयते कर्णारबुदेभ्यह स्प्रुहा चेतह प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृते नो जाने जनिता क्रियदभि अमृतए कृष्ण इति वर्णद्वय ये श्लोक सुन के महाप्रभु तो उल्लासित हो जाते हैं साथ में हरिदास ठाकुर भी उल्लासित हो जाते हैं श्लोक सुनी हरिदास हईला उल्लासी नाचीते लागिला श्लोक अर्थ प्रशंसी हरिदास ठाकुर नाचने लगते हैं ये जब श्लोक सुनते हैं तो और इतना प्रशंसा करने लगते हैं वाह क्या प्रशंसा की है रूप तू ने कृष्ण कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी नामेर माधुरी ऐचे कहा ना आई चे, कहाना ही सुनी साधु शास्त्रों से हमने नाम की महिमा सुनी है लेकिन ऐसी महिमा हमने अभी तक नहीं सुनी है श्लोक केवल सुनाए उन्होंने और इतना उल्लास हो रहे हैं। श्लोक का अर्थ मैं आपको बताता हूं क्या था यह श्लोक का अर्थ यह विदग्ध माधव का श्लोक है रूप गोस्वामी ने इसकी आ, रचना की है तुंडे तुंडे का अर्थ है हमारा जैसे कहते हैं ना तोंड हमारा फेस हमारा मुख मुख मुखमंडल तुंडे तांडविनी तांडव नृत्य भी सुना होगा आपने तांडविनी तो सबसे पहले आखिरी पंक्ति इसकी समझनी होगी नो जाने जनिता क्रियत बिर अमृते कृष्ण इति वर्ण द्वय ये कृष्ण ये जो दो अक्षर वाला शब्द है पता नहीं इसमें क्या शक्ति है और किस प्रकार का अमृत इसने उत्पन्न कर दिया है जब तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये जब ये मेरे मुख में प्रवेश करता है और मेरे जिह्वा के ऊपर नृत्य करता है तुंड आवली दीपावली दीपावली मतलब क्या है दीप आवली एक दीप और कई सारे जब दीप लगाए जाते हैं उसे कहते हैं दीपावली उस प्रकार से तुंडावली मतलब ये जब नाम मेरे जिह्वा पे नृत्य करने लगता है मेरी ऐसी अपेक्षा हो जाती है कि मुझे तुंडावली मुझे ऐसे कई सारे मुख हो कई सारे जिह्वाएं हो कर्ण करोड़ कडिमिने घटयेते कर्णारबुदेभ स्पर्शाम और जब ये दो अक्षर मेरे कर्ण के अंदर प्रवेश कर जाते हैं करनार्बुदेभ्यस्प्रहम् मेरे अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है मानो मुझे लाखों लाखों कान चाहिए इसको सुनने के लिए और जब ये मेरे चित्त के अंदर प्रवेश कर जाता है चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम सारे इंद्रियों की कृतियों को स्तब्ध कर देता है और चित्त के ऊपर विजय प्राप्त कर देता है ऐसा है भगवान का कृष्ण केवल यह दो अक्षर का नाम ऐसी महिमा हृदय शाकुर नाचने लगते हैं ऐसी महिमा अभी तक कभी नहीं सुनी चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो जाते हैं वहाँ पर आलिंगन करते हैं रूप को और वहाँ से महाप्रभु मध्यान्ह के समय अपना स्नानादि कर्म और दूसरा कार्य करने के लिए चले जाते हैं और अभी दूसरे दिन महाप्रभु अपने दूसरे कई सारे विद्वत भक्त अभी रामानंद राय सार्वम भट्टाचार्य स्वरूप दामोदर इन सबको दर्शन के लिए लेके जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में और दर्शन करके आते 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 रूप गोस्वामी का गुणगान करते हैं वाह क्या श्लोकों की रचना की है क्या उसका अक्षर है क्या विद्वत्ता है क्या पांडित्य है क्या माधुर्य है क्या दीनता है ऐसा ऐसा मानो पांच मुख हो ऐसा गुणगान करते जा रहे हैं और जाते जाते अभी वो जगन्नाथ जी का दर्शन करके अभी रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर जहाँ पे थे वहाँ पर उन्हें लेके आते हैं ये भगवान का स्वभाव ही होता है कविराज गोस्वामी कहते हैं ईश्वर स्वभाव नालय अपराध अल्प सेवा बहुमाने सेवा करता है ना भगवान की, अल्प सेवा बहुमाने थोड़ा भी कुछ सेवा किया जाता है उसे वो बहुत मानते हैं किंचित करोति अच्छा फलगुम अभी भूरी मयोपनितन पृत वापस जाते हुए याद करते हुए जाता है मैंने क्या दिया भगवान को केवल इतना सा लेकिन भगवान ने मुझे क्या कुछ अर्पण कर दिया किंचित करो तुरु अपी यदत्तम खुद के द्वारा छोटा सा देते हैं भगवान लेकिन उसे बताते हैं कि खुद के द्वारा बहुत कुछ देते हैं लेकिन कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं दिया और जब दूसरा भक्त कुछ अर्पण करता है थोड़ा सा तो वो कहते हैं कि इतना कुछ दिया मेरे भक्त ने मुझे तो अल्प सेवा बहुमाने पर्यंत प्रसाद अपने स्वयं को भी अर्पण कर देते हैं भक्त को यह है भगवान की महिमा ऐसा कविराज गोस्वामी कहते हैं कि थोड़ी सेवा रूप गोस्वामी की महाप्रभु उसे मानो पांच मुख हो इस प्रकार से गुणगान करते हैं और हरिदास ठाकुर के वहाँ पर चले जाते हैं हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी दोनों महाप्रभु को प्रणाम करते हैं महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं और जो जिन भक्तों को लाए थे वो सारे एक चबूतरे के ऊपर बैठ जाते हैं और महाप्रभु इनको भी कहते हैं आप भी आओ के बैठो रूप और हरिदास लेकिन रूप और हरिदास नीचे ही बैठ जाते हैं चबूतरे के और कहते हैं कि हमारी पात्रता यही है आपके चरणों में और वहीं पर चबूतरे के नीचे वो दोनों बैठ जाते हैं महाप्रभु अभी रूप से निवेदन करते हैं पूर्व श्लोक पढ़ रूप प्रभु आज्ञा कैला लज्जा तेना पड़े रूप मौन वो पहला श्लोक पढ़ो 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 रूप क्या श्लोक था तुम्हारा मेरा मनोभाव जान गया था पढ़ो लेकिन लज्जते न पड़े रूप मऊ रूप गोस्वामी लज्जित हो रहे थे अभी इतने सारे विद्वान लोग उनके सामने मैं क्या बोलो लेकिन स्वरूप दामोदर दामोदर कहते हैं ठीक ये नहीं कह रहा मैं ही कहता हूँ स्वरूप दामोदर को भी वो पता चल गया था प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिली तस मैं वही राधा रानी हूँ आप वही कृष्ण है हम लोग कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं लेकिन मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है मैं वृंदावन में जाना चाहती हूँ और कृष्ण की पंचम ध्वनि बाँसुरी से आने वाली उसको सुनना चाहती हूँ सारे भक्त जो है वो वहाँ पर आकर्षित हो जाते हैं रामानंद राय सार्व भट्टाचार्य वो कहते हैं कि महाप्रभु आपकी कृपा के बिना कोई आपका अंतर्मन जान ही नहीं सकता और रामानंद राय कहते हैं कि आपने मुझे भी कृपा की थी और मुझसे कई सारे सिद्धांत बुलवाए थे याद है कहाँ पे मध्य लीला अध्याय आठ रामानंद राय संवाद वहां पर रामानंद राय कहते कि आपने आपकी कृपा मुझे दी थी और उस कृपा के कारण मुझसे आपने कई सारे सिद्धांत बुलवाए थे संबंध अभिदेय प्रयोजन के संबंध में और इस प्रकार से आपकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है महाप्रभु सुन रहे थे लेकिन उनका ध्यान रूप की तो कुछ नहीं रहा है वाला श्लोक सुना ना, वो नाटक वाला वो, वो तुंडे तुं तुंडे, तुंडावली वाला रूप तो बार बार अभी महाप्रभु आग्रह कर रहे थे रूप गोस्वामी सुना ही डालते है तुण्डे तांडविनी तुंडावली विभे कर्ण क्रोडा कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पर्शुहाम चेतह प्रांगण संगिने विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नोजाने जनिता क्रियद्भिर्मृतये कृष्णेति वर्णद्वय और फिर जब सारे लोग सुने गोस्वामी की भावना है कि मुझे लाखों जिह्वाएं चाहिए हजारों मुख चाहिए कान चाहिए सुनने के लिए हमारी दशा अलग होती है तुलना मत करना हम जब हरंगाम लेते हैं तो जो दो आँखें दो कान है वो भी बंद होना प्रारंभ हो जाता है तो ये रूप गोस्वामी इतने महान भक्त महाप्रभु की शक्ति संचारित किए हुए और जब सारे भक्त वहाँ पर रामानंद राय आदि जब सुन लेते हैं महाप्रभु क्या कहते हैं ये श्लोक सुन ले लोकर या दुख शोक ये श्लोक को सुनने से ही लोगों का दुख और शोक दूर हो जाएगा और जब रूप गोस्वामी इसे सुनते हैं सुनाते हैं सब भक्त अचंबित हो जाते हैं और वो कहते हैं ऐसी महिमा नाम की तो हमने अभी तक नहीं सुनी थी और फिर रामानंद राय पूछना प्रारंभ करते हैं राय कहे को भी सिद्धांत अरे भाई तू कौन सा ग्रंथ लिख रहा है बताओ जरा इसके अंदर ऐसा ऐसा सिद्धांत रखनी ऐसे ऐसे मधुरता की सिद्धांत की खाण हो कौन सा ग्रंथ लिख रहे है फिर रघु रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं कृष्ण लीला के ऊपर कुछ नाटक की रचना कर रहा हूँ और एक नाटक मैं करने करने वाला था लेकिन सत्यभा और प्रभु महाप्रभु के आज्ञा से अभी मैं इसको दो विभागों में विभाजित किया है ललित माधव और विदग्ध माधव तो विदग्ध माधव में मैं वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करने वाला हूँ ललित माधव में मैं द्वारका की लीलाओं का वर्णन करने वाला हूँ अभी रामानंद राय इतने पंडित थे और महाप्रभु उन, उन इसके लिए लेके आए थे अभी सार्वभम भट्टाचार्य याद है कितने प्रगाढ़ पंडित थे वो मध्य लीला के अध्याय छे में उनका उद्धार हुआ था तो इतने प्रगाढ़ पंडित है और रामानंद राय वो भी इतने प्रगाढ़ पंडित बड़े पोस्ट छोड़ के अभी आए हुए हैं और वो अभी रूप गोस्वामी को परीक्षा करते हैं अभी रामानंद राय प्रारंभ करते हैं राय कहे नांदी श्लोक पढ़ देखी सुने श्री रूप श्लोक पढ़े प्रभु आज्ञा माने राय कहते हैं कि नांदी श्लोक नांदी श्लोक मतलब जिसे कहते हैं इन्वोकेशन आप वो इन्वोकेशन वाला मंत्र जो है वो उसे सुनाओ मंगलाचरण का और रूप गोस्वामी सुनाना प्रारंभ करते हैं सुधानाम चंद्रिणाम अपि मधुरी दमनी दधाना राधादि प्रणय घन सारय ते तृष्णां हरतु हरिलीला शिखरिणी ये पहले अध्याय का एक सौ अट्ठाईसवा श्लोक है यह माधव की मंगलाचरण में आता है क्या इसमें कहा गया है हरी लीला शिखरिणी हरी लीला का वर्णन क्या है आप शिखरिणी जानते हैं जो दही और मिश्री इनका संगम करके बनाया जाता है यह है भगवान की लीला और क्या है यह लीला लीला कैसी है सुधानाम चंद्रिनाम अपि मधुरीमान उन्माद दमनी जो चंद्रमा है उसे उस उसमें से निकलने वाला जो सुधा उसमें से निकलने वाला जो अमृत है उसको जो अभिमान हुआ है उस अभिमान को दमनी उसका दमन करने वाली उसको चूर्ण करने वाली क्यों कैसे ददाना राधादि प्रणय घन सारे सुरभिताम श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों के जो प्रेम की सुगंध है उसको उसकी महक को सारी दुनिया में फैलाने वाली और क्या करने वाली समंत समंत संताप उद्गम विषम संसार सरणी प्रणीताम जो सारे संसार के लोग हैं जो इस विषय विषय संसार में लगे हुए हैं उनके ताप को शमन करने वाली और ते तृष्णाम प्रणीताम जो उनकी अन्य अभिलाषाएं भौतिक कामनाओं को भी दमन करने वाली हो ऐसी भगवान की सुमधुर लीला तो ये श्लोक जो है वो विदग्ध दमादों का नांदी श्लोक के बारे में कहा जाता है राय कहे कह इष्ट देवेर वर्णन प्रभुर संकोच रूप नाकोरे पठन अभी आपके इष्ट देव कौन है उनको प्रणाम किया हुआ मंत्र क्या लिखा है आपने उसको सुनाओ विरूप गोस्वामी महाप्रभु वहां पर इष्ट देव वहीं पे बैठे हुए अभी क्या वर्णन करे संकोच पाते हैं लेकिन महाप्रभु देखते हैं प्रभु कहे कह के ने कर संकोच लाजे ग्रंथे फल सुनाये बा वैष्णव समाज अरे क्यों संकोच कर रहा है रूप सुनाओ सुनाओ ग्रंथ इसके लिए रचना की जाती है तो वैष्णव समाज उसका आस्वादन करे सुनाओ क्या श्लोक रचना की है रूप गोस्वामी अभी सुना देते हैं क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं तबे रूप गोस्वामी ये का श्लोक यदि पढ़ी सुनी प्रभु कहे ये अति स्तुति हई रूप गोस्वामी सुना देते और महाप्रभु कहते है कि अरे 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 कितनी ज्यादा स्तुति की है तूने मेरी कौन सा श्लोक था अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पूरट सुंदर द्युति कदंब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वह शचि नंदन आदि लीला का पहले अध्याय का ये चौथा श्लोक है रूप गोस्वामी कविराज गोस्वामी ने भी इसे अपने मंगलाचरण में डाला हुआ है उनके भी इष्टदेव महाप्रभु है उनको प्रणाम करते हुए रूप गोस्वामी के इष्टदेव उनका प्रणाम मंत्र डाल दिया है तो आपको इसका अर्थ पता है अनरपित चरिम चिरात बहुत काल से अभी तक अर्पित नहीं की गई ऐसी कृपा अवतीर्ण कलो कलयुग में अवतरण करने के लिए प्रकट हुए हैं समर्पयतुम उन्नतो जल रसाम सो भक्ति श्रीयम अपनी भक्ति का जो प्रेम है वो प्रदान करने के लिए और उसका आस्वादन करने के लिए आए हुए हैं ऐसे श्री महाप्रभु उनके सची ंदर स्फुत वंदना सारे लोगों के बद्ध जीवों के रुदे में, रुदे कंदर गुफा में, वो महाप्रभु उनकी कृपा प्रकट हो ऐसा आशीर्वचन वाला ये श्लोक है तो ये जब सुनते हैं महाप्रभु कहते हैं कि अति स्तुति हो गया भाई ये 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 नहीं चलेगा लेकिन ये ये विदग्ध माधव का दूसरा श्लोक था तो भक्त गण कहे श्लोक शूनिया कृतार्थ हिला सबा श्लोक शूनिया सारे लोग कहते हैं रूप गोस्वामी से वाह क्या श्लोक की रचना की है रूप तूने हमें तो कृतार्थ बना दिया है हमारा जीवन सफल हो गया इस प्रकार से मानो आपके ये श्लोक की रचना की है फिर रामानंद राय अभी क्योंकि ये विद्वत पंडित है अभी परीक्षा कर रहे हैं नाटक के पात्र संविधान बताओ मतलब जो पात्रों का परिचय है कौन कौन पात्र है कौन कौन कलाकार है कहाँ पर उनका संगम होने वाला है वो बताओ प्ररोचना बताओ मतलब लोगों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए आपने कौन सा रस डाला हुआ है उसे बताओ प्रेमोत्पत्ति के कारण बताओ इस प्रकार से कई अलग 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 नाटक दिव्य नाट्य शास्त्र के कई सारे प्रश्न पूछते हैं रूप गोस्वामी को रूप गोस्वामी सारे प्रश्नों का बहुत सुंदर जवाब देते हैं और सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कितनी सुंदर रूप गोस्वामी की जो है वो रचना है राय कहे तुम्हारा कवित्व अमृतेर धार द्वितीय नाटक के कह नांदी व्यवहार भाई तुम्हारा तो ये कवित्व अमृत की धारा के समान है अभी तुम्हारा जो दूसरा नाटक है ललित माधव इसके बारे में कुछ सुनाओ और उसका भी जो पहला श्लोक सुना देते हैं और फिर रामानंद राय कहते हैं कि इसका भी नांदी श्लोक हमें सुनना है इसका भी आपके इष्ट देव का जो वर्णन है वो सुनना है और फिर रूप गोस्वामी उसका भी वर्णन करते हैं ये श्लोक संख्या 177 इसका अनुवाद मैं बताना चाहूँगा चंद्रमा सदृश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि शचिनंदन कहलाते हैं अपना भक्तिमय प्रेम वितरित करने के लिए अब पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं वे ब्राह्मण समुदाय के सम्राट है वे अज्ञान के समस्त अंधकार को भगा सकते हैं और विश्व के हर एक व्यक्ति के मन को वश में कर सकते हैं वह उदयमान चंद्रामा हम सबको सौभाग्य प्रदान करे ये जब श्लोक सुनते हैं तो अभी महाप्रभु से लगा रहा नहीं जाता अंदर से तो महाप्रभु बहुत आनंदित हो जाते हैं लेकिन बाहर से रोष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कहाँ तोमार कृष्ण रस काव्य सुधा सिंधु तार मध्य मिथ्या के ने स्तुति क्षार बिंदु अरे तुम्हारी जो काव्य है वो तो सुधा सिंधु अमृत के सागर के समान है और मेरी स्तुति करके तुमने उसमें क्षार बिंदु एक नमक का बिंदु डाल दिया है मतलब समझते ना जैसे कोई बहुत बड़ा खीर बना रहा है और उसके अंदर नमक डाल दिया अंतिम में तो कैसे वो खराब बन जाता है लेकिन महाप्रभु इस प्रकार से कहते अपनी स्तुति नहीं सुनना चाहते लेकिन राय रामानंद स्वरूप नाम वो सब बैठे हुए हैं राम रा, रामानंद कहते हैं कि महाप्रभु आप गलत है क्या है वास्तव में ये राय कहे रूपेर काव्य अमृते तार मध्य एक बिंदु दिया छे ये तो अमृत का पूर है और इसमें जो है वो इन्होंने जो इष्ट देव की स्तुति की है आपकी स्तुति ये तो इसमें कर्पुर मिलाने के समान इसका स्वाद और बढ़ा रहे हैं महाप्रभु कहते रामाण से अरे तू बोलता है क्या प्रभु कहे राय तुम तो इहाते उल्लास सुनी ते लज्जा लो करे उपहास अरे आपको उल्लास हो रहा है लेकिन मुझे शर्म आ रही है लोग क्या कहेंगे लोग तो निंदा करेंगे कि अपने शिष्य से अपना गुणगान का श्लोक बुलवा दिया है राय कहे लोकेर सुख इहार श्रवणे अभिष्ट देवेर स्मृति मंगलाचरण राय कहते हैं कि एक बार तो इष्ट देव को प्रणाम मंगलाचरण में करना ही होता है और मंगलाचरण जब लोग सुनते हैं तो उनका मंगल होता है और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है और रामानंद राय रूप गोस्वामी का जो है वो और काव्य का आगे भरपूर परीक्षा करते हैं और कई सारे श्लोक रूप गोस्वामी सुनाते हैं कई सारे विदग्ध माधव के ललित माधव के श्लोक यहाँ पर सुनाए जाते हैं और इसका जो है वो वर्णन होता जाता है होता जाता है रामानंद राय कहते हैं कवित्व ना हो ए अमृत र धार नाटक लक्षण सब सार ये तो कवित्व नहीं ये तो अमृत की धारा है धारा नाटक लक्षण सब सार सारे सिद्धांतों को सार रूप में नाटक के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और वास्तव में क्या था उस समय जब रूप गोस्वामी थे उस समय में इस प्रकार से नाटक और नाटकों के द्वारा जो है वो भक्ति का प्रचार हुआ करता था तो इसलिए रूप गोस्वामी उस समय के साधनों का प्रयोग करके भक्ति का प्रचार करने का देख रहे थे तो जिसे जैसे इस युग में आज के समय में प्रचार करने के साधन अलग अलग है उस समय जो है वो नाटक आदि थे इसलिए उनके द्वारा रूप गोस्वामी प्रचार किया करते थे प्रेम परिपाटी यही अद्भुत वर्णन सुनिश्चित कर्ण होय आनंद घूर्णन प्रेम प्रेम का तो इतना अद्भुत वर्णन किया है प्रेम रस का यहां पर रूप गोस्वामी ने तो और जब कान और मन जब सुन लेता है तो संतुष्ट हो जाता है और चक्कर आने लगती है प्रेम के कारण और कहते हैं रामानंद राय उस धनुर्धारी का बाण और उस कवि का काव्य क्या काम का यदि वो हृदय के अंदर प्रवेश कर दे और सिर को चकरा न दे तो जो है वो कुछ काम का नहीं होता है तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी का काव्य सर को चकरा देने वाला है लेकिन ये आपके कृपा के बिना संभव नहीं है इससे ज़रूर लग रहा है कि आपकी कृपा रूप गोस्वामी के ऊपर भूरी भूरी मात्रा में हुई होगी तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि प्रयाग में मैं रूप गोस्वामी से मिला था और शक्ति संचारित मैंने करा दी थी इसलिए हम लोग कहते हैं ना श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित ये न भूतले स्वयं रूप कदाहयम ददाती स्वपदांतिकम ऐसे हम लोग रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को जान लिया है और स्थापितम ये न भूतले और इस धरातल पर उसको स्थापन करने के लिए अलग अलग काव्यों की रचना रूप गोस्वामी ने की है इस प्रकार से महाप्रभु रूप गोस्वामी का गुणगान करते हैं मधुर प्रसन्न काव्य सालंकार है प्रचार की मधुर है प्रसन्न करने वाला है और अलंकारों से युक्त है इनका ये कवित्व ऐचे कवित्व विनुन है रसेर प्रचार कृष्ण भावना के रस का प्रचार जो है वो ऐसे कवित्व के बिना नहीं हो सकता और महाप्रभु कहते हैं आप सब इसे आशीर्वाद दीजिए देखिए महाप्रभु यहाँ पर उपस्थित है भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर हो जाए तो भी वो अधूरी है जब तक भगवान के भक्तों की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती महाप्रभु कहते हैं आप सब भी रूप गोस्वामी के ऊपर कृपा कीजिए और सारे भक्त रूप गोस्वामी को आलिंगन करते हैं और अपनी कृपा उनके ऊपर बरसाते हैं और महाप्रभु अभी सुना रहे हैं इहार ये ज्येष्ठ भराता नाम सनातन पृथ्वी विज्ञवर ना तारसम इसका एक बड़ा भाई भी है सनातन और सनातन का गुणगान करते हैं पृथ्वीते विज्ञवर नाही तारसम नाम सनातन सनातन उनका नाम है और इस पृथ्वी पर उनसे बढ़ के विद्वान इस संसार में और कोई नहीं है देखिए महाप्रभु सनातन की इतनी स्तुति कर रहे हैं और किसके सामने रामानंद राय सार्वभौम भट्टाचार्य स्वरूप दामोदर हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी इन सब के सामने सनातन की स्तुति हो रही है और इन सब के मन में कभी भी द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए कि जब एक यहाँ पर दूसरों का गुणगान होता है तभी भी भक्त हर्षोल्लासित हो जाते हैं और कल्पना कीजिए यदि हम होते और हमारे सामने किसी और भक्त का गुणगान होता और कहे क्या कह रहे पृथ्वी पर उसके समान जो है वो विद्वान भक्त नहीं है तो हम लोग कहते हैं कि अरे हमारी विद्वत्ता नहीं देख रहे आप हम कितने विद्वान हैं ऐसा हम लोग कहते हैं लेकिन यहाँ पर सारे भक्त प्रसन्न चित्त हो जाते हैं सनातन का गुणगान सुन के महाप्रभु बताते सनातन की दीनता सनातन का वैराग्य सनातन का पांडित्य इनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता रामानंद राय आप जो ऐसे बड़े पद पर स्थित थे वो सब छोड़ के आए हैं उसी प्रकार से वो भी बड़े मंत्री थे एक काल में वो मंत्री पद छोड़ के आए हुए हैं ये रूप भी बड़ा मंत्री था ये अब छोड़ के आया हुआ है लेकिन देखो चबूतरे के ऊपर भी बुला रहे तो भी नहीं बैठ रहे नीचे बैठ रहे हैं इस प्रकार से उनका गुणगान करते हैं चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को आलिंगन देते हैं और फिर

क्या सिद्धांत रचना की है कौन इसकी महिमा जान सकता है कितने विद्वान पंडित है हुई है जानी यही महाप्रभु कहां से ही कही वाणी मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ मैं तो अधम पामर हूँ महाप्रभु की कृपा है और महाप्रभु जो भी बुलवा रहे हैं वो मेरी वाणी जो है वो बोल रही है इस प्रकार से हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी एक साथ रहा करते थे कृष्ण कथा रंगे कृष्ण कथा के साथ वो हमेशा वहाँ पर जो है वो चलते थे समय बिताया करते थे सारे भक्त तो अभी बंगाल चले गए हैं लेकिन रूप गोस्वामी वहीं पर रहे हुए हैं श्री रूप प्रभु पदे नीला चले रहीला दोल यात्रा प्रभु संगे आनंदे देखिला आनंद पूर्वक उन्होंने दोल यात्रा जो है वो देखी तो इसका अर्थ यह बताया जा सकता है कविराज गोस्वामी तो नहीं बताते हैं लेकिन यदि रूप गोस्वामी जिस समय आए थे और सारे भक्त जो आए थे तो वो आते थे चतुर्मास में और उसके पहले गुंडीचा मंदिर मतलब मई जून महीने में सारे भक्त आए रहेंगे और डोल यात्रा आती है होली के समय में यह जगन्नाथपुरी में होने वाला पाँच दिन का बड़ा महोत्सव है तो डोल यात्रा तक रुके इसका अर्थ है कि यदि हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करें तो रूप गोस्वामी दस महीने तक जगन्नाथपुरी में रहे थे तो इस प्रकार से दस महीने तक रूप गोस्वामी वहाँ पर रहे और महाप्रभु ने कहा रूप गोस्वामी से कि अभी आप वृंदावन जाइए और आपके जो भाई है सनातन उनसे यदि आप मिलेंगे तो उन्हें कह देना कि महाप्रभु याद कर रहे हैं उन्हें मुझे मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में भेज देना और उन्हें चार आज्ञा जो सनातन को दी थी वही चार आज्ञा रूप को भी महाप्रभु दोहराते हैं व्रजयाई रसशास्त्र रस शास्त्र करिह निरूपण लुप्त तीर्थ सबता करिह प्रचारण कृष्ण सेवा रस भक्ति करिह प्रचार आमिह देखी तेता एक बार आपको देखने के लिए मैं वृंदावन में एक बार जरूर आऊंगा हालांकि महाप्रभु वृंदावन इसके बाद कभी गए नहीं लेकिन कहे कि मैं आऊँगा जरूर एक बार आपको देखने के लिए चार आज्ञाएं क्या थी व्रजयाई रसशास्त्र शास्त्र करीह निरूपण भक्ति के शास्त्रों का निरूपण करो शास्त्रों को लिखो दूसरा था लुप्त तीर्थों का प्रकाशन करो उनका उनका उद्घाटन करो सारे लोगों को समझ में आना चाहिए कौन कौन से जो लुप्त तीर्थ हैं वो कृष्ण सेवा स्थापन कृष्ण सेवा किस प्रकार से की जाती है मंदिर बनवा कर स्थापना करना और रूप गोस्वामी ने हमें पता है राधा गोविंद जी मंदिर की स्थापना की थी और वहाँ पर प्रतिष्ठा की थी उनकी और उसके पश्चात करी कौरि प्रचार प्रचार करो और अपने अपने आचरण से और अपने शास्त्रों से जो है उन्होंने भक्ति का प्रचार किया तो ये जो चार आज्ञाएं दी थी रूप और सनातन को महाप्रभु ने वास्तव में इन इन गोस्वामियों के कारण और महाप्रभु ने जो ने ये आज्ञाएं दी थी उनके कारण सारे विश्व का कल्याण हुआ है क्योंकि यदि ये नहीं होता तो लुप्त तीर्थों का उद्धार भी नहीं होता हम आज हालांकि जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा करते हैं सारे लुप्त तीर्थ वहाँ पर आजकल गवर्नमेंट के बोर्ड लगाए गए यहाँ पे कुसुम सरोवर है यहाँ पे ये घाटी है यहाँ पे ये मंदिर है तो जो सारे बोर्ड लगाए गए हैं उसका वास्तव में जो उसके फाउंडर है वो सब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है और जो शास्त्र दिए हैं कैसे आज हम लोग जो धोती पहन पा रहे तिलक लगा रहे एकादशी का व्रत का पालन कर रहे हैं जो सनातन गोस्वामी ने जो शास्त्र लिखे महाप्रभु के आज आज्ञा लेके भक्ति रसामू सिंधु जो रूप गोस्वामी इन्होंने लिखा हुआ है इनके कारण उपदेशामृत जो इन्होंने लिखा हुआ है उनके कारण हम लोग भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है ये समझ पा रहे हैं और जो उन्होंने प्रचार किया और अपना आचरण से सिखाया उसके कारण वास्तव में देखा जाए तो सारे विश्व का कल्याण हुआ है तो ये आज्ञा महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दी और वहाँ से फिर रूप गोस्वामी महाप्रभु की चरणों का वंदना करके सारे भक्तों को मिलके के वहाँ से वो अभी वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं यही तक कहलान पुनः रूपेर मिलन इहा यही सुने पाए चैतन्य चरण इस प्रकार से पुनः जो रूप गोस्वामी का मिलन होता है महाप्रभु के साथ उसका मैंने वर्णन किया है इहा यही शून्य पाए चैतन्य चरण जो भी इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उसे जरूर चैतन्य महाप्रभु की चरणों की प्राप्ति हो जाएगी श्री रूप रघुनाथ यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास इस प्रकार से पहला अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है और अभी दूसरा अध्याय इसका होगा महाप्रभु का छोटा हरिदास इस इसकी प्रताड़ना उनको ताड़न करेंगे कई सारे महाप्रभु महाप्रभु ने अपने कई भक्तों को कृपा दर्शाई अलग अलग प्रकार से जैसे रूप गोस्वामी को शक्ति संचारण करके कृपा दर्शाई अभी उनके एक भक्त है छोटा हरिदास उनको महाप्रभु ने उनको अस्वीकार कर दिया उनका त्याग कर दिया था इतने कृपालु महाप्रभु होने के बाद भी उन्होंने उनका त्याग क्यों किया ऐसी क्या गलती थी छोटा हरिदास ने यह यदि आपको जानना है तो हम मिलेंगे कल ठीक शाम को साढ़े बजे अभी समय है हमारा प्रश्न और उसका उत्तर देखने का आज का हमारा हाँ हा, पहला श्लोक हमने पहला श्लोक हमने पहले ही ले लिया है आ, पहला श्लोक जो कविराज गोस्वामी ने कहा था पंगुम लंगायते शैलम मुकम आवर्तित मैं महाप्रभु की कृपा को वंदना करता हूँ तो खास करके जो संपूर्ण मध्य लीला है उसमें जो पहला श्लोक बताते हैं कविराज गोस्वामी वो पहले श्लोक में सारे अध्याय का सारांश बताते हैं लेकिन आदि और अंत्य लीला में जो पहले श्लोक है उन पहले श्लोकों में केवल महाप्रभु की कृपा को ही प्रणाम करते हैं कविराज गोस्वामी और उनकी कृपा की याचना करते हैं तो इस प्रकार से हमें पहला श्लोक जो है वो समझना चाहिए और जो आज का प्रश्न था हमारा जब मुसीबतें आती हैं तो देवतागण किन के पास जाके प्रार्थना अर्पण करते हैं तो आप प्रश्न सुन के थोड़ा कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे कहाँ जाते हैं और आपको उत्तर मिल भी गया हुआ अध्याय पाँच का ये प्रश्न है तो सही जवाब है क्षिरोधक विष्णु तो क्षिरोधक विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें देख भी नहीं पाते वास्तव में तो पुरुष सोक्त इस प्रकार से उन श्लोकों को गान करते हैं और वहाँ पर भगवान केवल अपनी वाणी के द्वारा उन्हें दर्शन देते हैं सम्मुख उनके भी प्रकट नहीं होते हैं तो शिरोदक्षाई विष्णु भी उनसे अगोचर है सारे देवताओं से तो ये हो गया इस सवाल का जवाब और हमने एक चार्ट आपको समझने के लिए डाल दिया है ग्रुप में जो परीक्षा दे रहे हैं खास करके उनके लिए है, है। आदि लीला के पांचवे अध्याय में कई भक्त जो है वो संभ्रम में होते हैं कारण सागर कहाँ पर है गर्भोदक सागर कहाँ पर है अनंत शेष कहाँ पर है अनंत शेष के ऊपर यदि भगवान लेटे हैं तो दूसरे अनंत शेष धरातल को कैसे पकड़े हुए हैं तो ये आप देख सकते हैं इस चार्ट को बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय श्रील प्रभुपाद की जय